वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री आज हम चर्चा करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है सी यू ई टी टू में आप कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करें ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सके तो चलिए शुरू करते हैं देखिए ये है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का डेली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यदि आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो कोर्स है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ये कौन कौन से कॉलेज में अवेलेबल है तो यदि हम कॉलेज़ की बात करें तो कुल मिलाकर डेली यूनिवर्सिटी के फोर्टी सिक्स कॉलेज हैं जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कोर्स करा रहे हैं और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखें इसकी एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट अपियर इन सी यू टी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट जिसे एडमिशन चाहिए ऐसा स्टूडेंट जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहता है वो सी यू टी में अपियर हो लेकिन सी यू टी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए उस पर चर्चा करते हैं देखिए देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए आप घबराएं नहीं ये लिस्ट ए लिस्ट बी या लिस्ट क्या है मैं बता दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट उसके अंदर शामिल किए गए हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे लेकिन यहां मोटे मोटे तौर पर आप सिर्फ ये बात समझिए कि क्या क्राइटेरिया है तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए कोई भी एक लैंग्वेज आपने चूज करनी है लिस्ट ए के अंदर जो दी गई हैं उसके बाद आपको चूज करना है एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी वन और जो सब्जेक्ट हैं लिस्ट बी वन के अंदर उसमें से दो सब्जेक्ट लेने हैं और एनी वन सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम लिस्ट बी वन और लिस्ट बी टू आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है या तो वो बी वन से ही हो सकता है या बी टू से हो सकता है तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो आपको सबसे पहले लिस्ट ए से आपको एक सब्जेक्ट एक लैंग्वेज चूज करनी है प्लस आपको दो सब्जेक्ट चूज करने हैं लिस्ट बी टू से फिर आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है एक सब्जेक्ट आपको या तो वो सब्जेक्ट बी वन से हो या बी टू से हो और इस तरह से आप यदि कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर कर सी यू टी में अपियर होते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन पाने के लिए इलिजिबल होंगे अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ये लिस्ट ए लिस्ट बी वन और लिस्ट बी टू आखिरकार हैं क्या देखिए ये आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा लिस्ट ए इस लिस्ट ए के अंदर सीयूईटी के दौरान आपको इस लिस्ट ए में से जितनी लैंग्वेज आपको यहां दी गई हैं, इन लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज को चूज करना होगा सी यू ई टी के अंदर यानी अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं या तो आप हिंदी चूज कीजिए या आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कीजिए आप या तो संस्कृत चूज कीजिए तमिल तेलुगु उर्दू पंजाबी कन्नड़ जैपनीज इटालियन ये सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं लिस्ट ए के अंदर तो आपको यहाँ से एक लैंग्वेज चूज करनी है ये बात आप ध्यान रखें कि ये लिस्ट ए है यहां से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है चलिए अब लिस्ट बी पर देखते हैं देखिए ये लिस्ट बी है लिस्ट बी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक तो बी वन और दूसरी बी टू तो अब देखें सब्जेक्ट जो है लिस्ट बी वन के अंदर उनको देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं लिस्ट बी वन में यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपको यदि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो लिस्ट बी टू से आपको दो सब्जेक्ट चूज करने होंगे लेकिन वो कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिस्ट बी वन में ये जो सारे सब्जेक्ट मैंशन हैं कौन कौन से हैं जिसमें से आपको दो चूज करने हैं अकाउंटेंसी चूज कर सकते हैं बुक कीपिंग एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजी बिजनेस स्टडीज केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स एनवायरमेंटल स्टडीज जोग्राफी हिस्ट्री होम साइंस लीगल स्टडीज मैथमेटिक्स, फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी संस्कृत और शोशोलॉजी ये टोटल अठारह सब्जेक्ट हैं इन अठारह सब्जेक्ट्स में से आपको दो सब्जेक्ट चूज करने हैं लेकिन ये सारे सब्जेक्ट जो आप लिस्ट बी वन या लिस्ट बी टू से चूज़ करेंगे सबसे ख़ास बात क्या है कि देखिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन ज़रूरी नहीं है कि जो ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है आर्ट्स का स्टूडेंट है वही एडमिशन ले कॉमर्स या साइंस का स्टूडेंट भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन ले सकता है लेकिन यदि आपने बारहवीं क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वही सब्जेक्ट यहाँ चूज़ करने हैं मान लेते हैं आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं आपने जोग्राफी बारहवीं क्लास में नहीं पढ़ी है और आपने जोग्राफी चूज़ कर लिया तो आप बी एनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे आप यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे मान लेते हैं आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस चूज कीजिए आपने सोशोलॉजी पढ़ा है सोशलॉजी चूज़ कीजिए आपने होम साइंस पढ़ा है आप होम साइंस चूज़ कीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ा है हिस्ट्री चूज़ कीजिए ऐसा सब्जेक्ट जिसे आपने बारहवीं क्लास में पढ़ा हुआ है वो लिस्ट बी वन से चूज करने हैं दो सब्जेक्ट चलें लिस्ट बी टू की बात करते हैं कि लिस्ट बी टू से क्या चूज करना है तो एग्रीकल्चर यहाँ है इंजीनियरिंग है एंटरप्रेन्योरशिप है नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस इंडिया फाइन आर्ट्स है मास मीडिया मास कम्युनिकेशन है फिजिकल एजुकेशन है एन या योगा हो सकता है परफॉर्मिंग आर्ट्स है जैसे डांस है ड्रामा है थिएटर है म्यूजिक है ये सारे सब्जेक्ट या टीचिंग एप्टीट्यूड ये लिस्ट बी टू है तो so B2 से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है लेकिन अगर आप B2 से एक सब्जेक्ट चूज नहीं करते हैं तो यहां B1 से ही एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा चूज कर लीजिए आपको बट सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने वो तीनों सब्जेक्ट क्लास ट्वेल्थ में पढ़े हुए होने चाहिए अगर आपने बारहवीं क्लास में ये तीनों सब्जेक्ट पढ़े हैं तो बी लिस्ट बी वन बी टू से तीन सब्जेक्ट प्लस लिस्ट ए से एक लैंग्वेज टोटल ये चार चीज़ें यदि आपने सी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डोमेन सब्जेक्ट्स में बनाया हुआ है तो आपको बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस डेली यूनिवर्सिटी में एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाएगा मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आज आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिस क्राइटेरिया पर चर्चा की है वो पूरा क्राइटेरिया आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ गया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सी का फॉर्म आते ही जब आप सी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें इस बार किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने सी यू के डोमेन सब्जेक्ट्स को चूज़ करने में बहुत गलतियां की थी जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लेने से चूक गए थे उनका एडमिशन वहाँ नहीं हो पाया था क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे धन्यवाद